देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में हो गए कुछ बारां, कुछ हुए कतलेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। तुम्हें इस मर्डर के बारे में इतनी देर से क्यों पता चला? सर, वो सुबह रूटीन में चाय वाला आता है और उसकी चीख के वास्ते हम यहाँ पर आ गए। चाय वाले को बुलाओ। सर, मैं हूँ चाय वाला। ये चाय वाला, नाबालिग से काम कराते हो, सबसे पहले मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा। बेटा, आप डरो मत। आप मुझे सच सच बताओ कि आपने सुबह सबसे पहले क्या देखा? साहब, मैं हर रोज चाय देने के लिए आता हूँ, आज आया तो दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा बाहर से बंद? हाँ साहब, बाहर से कुंडी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा इधर उधर होगा इस कमरे का मालिक, तो मैंने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। मैं कुंडी हटाकर देखा, भीतर देखा, तो डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गया। और कौन कौन काम करता है इस होटल में? सर, एक बहरा। बुलाओ उसे। हाँ सर, मैं हूँ बहरा। आप है? आपने क्या देखा? कुछ नहीं देखा साहब। किसी को आते जाते? नहीं, किसी को नहीं देखा। हवलदार, तुम दोनों इस कमरे की अच्छे से तलाशी लो, और बॉडी की भी, और फिंगरप्रिंट वाले को फोन लगाओ, और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओए, तो कमला हो गया? क्यों हुआ? ओए, ओ तू पंजाबी बोलना भी सीख गया? बाबूजी, आपका सुन सुनकर थोड़ा थोड़ा सीख गया हूँ। पर तू कमले का कमला ही रहेगा। बाबूजी, हम सब समझ रहे हैं कि आप हमको पागल बोल रहे हैं, पर मैं हूँ नहीं। तुम हो, मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ? अरे, तुम कमले के कमले ही रहोगे। चाय खत्म हो चुकी है, नमकीन और बिस्कुट तुम अब लेके आ रहे हो? जल्दी तो लाया हूं। हेलो, क्या? हाँ हाँ, मैं मदन डोगरा ही बोल रहा हूं। हत्या? होटल के कमरे में? तुम्हें शक है कि ये आत्महत्या है? हाँ हाँ, शिनाख्त हो चुकी है। हाँ, और पोस्टमार्टम के लिए तैयारी? हाँ हाँ,
ठीक है, ओके। देखो, सिचुएशन को समझने के लिए मुझे एक बार वहां पर आना पड़ेगा, ठीक है, ओके, मैं अभी आता हूं। चले काम पर? चले। तुम यही रहो, मैं जा रहा हूं। डोगरा साहब, शाम के 5 बज गए। 5 बज गए तो क्या हुआ, समय कभी रुकता नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे हाथ कोई क्लू नहीं लगा। क्लू भी हाथ में लगेगा, और जिसने मर्डर किया है उसकी वजह का भी पता चलेगा, और जिसने मर्डर किया है उसके बारे में भी पता लगेगा। लो, मंजिल भी आ गई, आओ। पहचानते हो उसे? ये तो समीर है, मेरा भाई। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ कौन? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? देखिए, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। क्या हुआ साहब? मेरा बेटा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जी, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, आप अपने आप को संभालो। ऐसे रोने से कातिल को सजा नहीं मिलेगी। पवन, तुम्हारे भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, उससे किसी के साथ में दुश्मनी नहीं थी। कोई प्रॉपर्टी या कोई और बात हो? नहीं। किसी लड़की का चक्कर? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं था उसका किसी के साथ में। देखिए, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो हमें बताइए। ये खामोशी आप कातिल का साथ दे रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके भाई के कातिल को सजा मिले? मुझे मिल जाए तो मैं उसका गला घोट दूं। आपने बताया नहीं, किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं था? हाँ, शायद किसी लड़की से प्यार था उसे। कौन थी लड़की वो? मैं नहीं जानता। तुमने तो एक ही सेकंड में किए कराए पर पानी फेर दिया। कभी कहीं देखा हो, कोई फोटो हो तुम्हारे पास? हमारी तो किस्मत ही फूट गई। इंस्पेक्टर, हमें एक बार फिर उस होटल में जाना पड़ेगा। लेकिन सर, लाश को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट भी आने वाली है। ठीक है, ना जाने क्यों मुझे लगता है कि हमें उस होटल में कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। क्रिमिनल कितनी भी चालाकी करे, कोई ना कोई मिस्टेक कर ही देता है।
शायद आपकी वहां जरूरत पड़ सकती है। डोगरा साहब, अभी तक कोई क्लू हाथ नहीं लगा। इंस्पेक्टर, क्लू भी मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। क्लू मेरे सामने है। ये बेहरा ये सब जानता है। भला ये किसी को क्यों मारेगा? उसकी हेल्प करने के लिए कितने पैसे लिए थे तूने? इधर आ, यहाँ के बता साहब क्या पूछ रहे। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने, आप तो बड़े साहब हो, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया मैंने। नहीं किया? जिस समीर का मर्डर हुआ और जिसने किया उससे तूने पैसे लिए थे उसकी हेल्प करने के लिए, लिए थे या नहीं? नहीं सर। बोलो, लिए थे या नहीं? नहीं। बोल साहब, राजधानी के स्पीड से। नहीं किया। बोल, कितने पैसे लिए थे तूने? नहीं, मैंने नहीं पैसे लिए। एक और बता। बोल, कितने पैसे लिए थे? बता तो सर। बोल। मैंने एक लड़की को देखा था। किसको? पीछे से एक लड़की को देखा था जिसका आधा ही चेहरा दिखा था मुझे। इंस्पेक्टर, स्केच बनाने वाले को बुलाओ। फोन लगाओ। घंटे हो चुके। इंस्पेक्टर, ये इतना आसान नहीं है कि किसी के बताने पर तस्वीर बन जाए। ये टेढ़ी खीर है, पर हमें ये करना है। बात तो ठीक है सर। हमारे ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप काम कीजिए जल्दी से। देखो, क्या यही वो लड़की है? नहीं सर। सब ये वही लड़की है जिसको मैंने देखा था। गुड जॉब, जल्दी से इसके 3-4 प्रिंट निकाल कर हमें दे दो। अगर ये पहचान सही हुई तो हम बहुत जल्द कातिल तक पहुंच जाएंगे। क्यों, पहचानते हो उसे? अरे ये तो यहाँ नहीं, ये तो कनाडा में है। ये तो वही है। कौन है ये? थोड़ा गौर से देखिए। नहीं, ये वो नहीं। ध्यान से देखो, जरा दिमाग पर जोर डालो। नहीं है, इसको नहीं पहचान। आपने बोला ना ध्यान से देखो। Are you sure? Yes, yes.
अरे साहब नहीं देखा हूँ मैं इसको, नहीं देखा हूँ। पहुंचो, मैं ही पहुंचता हूं। इसकी खबर झूठी नहीं होती। जल्दी बैठ गाड़ी में। अरे बहू इधर आओ। आज अजय आने वाला था ना, अभी तक क्यों नहीं आया, क्या हुआ? हाँ मम्मी जी, उनका फोन आया था, वो ऑफिस के काम से। मुझे मालूम है वो कंपनी के काम से बाहर गया है, पर आज काहे नहीं आएगा? उनको ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिला है तो उस काम से वो बाहर गए हुए। माँ जी आप इतनी चिंता क्यों करती है, वो आ जाएंगे, के साथ उनका बॉस भी है। आखिर माँ है ना, बेटे की चिंता तो होगी ही। जब तू माँ बनेगी ना तब सब समझेगी। एक काम करो बहू, फटाफट दो कप गरम गरम चाय लेके आओ। आप लोग जानती हैं इसे? कौन है ये? ये तो मेरी बहू के जैसी दिख रही है। बहू के जैसी नहीं, आपकी बहू का ही है। कहाँ है वो? ए जी देखिए ना ये लोग क्या बोल रहे हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? पहचानो इसे। ये आधा चेहरा तो मेरी बहू संध्या जैसा है। ये आपकी बहू ही है और इसने क्या किया है मेरी बहू ने? ये पूछे क्या नहीं किया, मर्डर किया आपकी बहू ने? नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों, उसके हाथ पैर नहीं है? जब मेरी बहू ने कुछ किया ही नहीं तो इसमें सिखाने पढ़ाने वाली कौन सी बात है? साहब जो करें तो ठीक करें। बुलाओ अपनी बहू को। संध्या, लगता है आपकी बहू घबरा गई पुलिस वालों का नाम सुनते। पुलिस के नाम से ही क्रिमिनल घबराते हैं इंस्पेक्टर साहब, वरना पुलिस तो आम लोगों की हिफाजत के लिए है। जी बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब आए। मेरी तरफ देखो। आप बताइए आप लोग, ये मेरी बहू का फोटो है? डोगरा साहब आप तो जासूस हैं, बताइए आपने समीर का कत्ल क्यों किया? कौन समीर? मैं किसी समीर को नहीं जानती हूँ, तो उसका कत्ल क्यों करूंगी? तब तो आप ये भी नहीं जानती होंगी कि उस होटल के वेटर ने आपको उस कमरे से बाहर जाते हुए देख लिया था जिस कमरे में कत्ल हुआ था। आप किस होटल और किस कमरे की बात कर रहे हैं? आप मुझे जानबूझ के फंसाने की कोशिश? सारे सबूत आपके खिलाफ हैं और पुलिस बिना सबूत किसी को अरेस्ट नहीं करती है, और हम तुम्हें अरेस्ट करने आए। अरेस्ट? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो आप बाबूजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? इंस्पेक्टर साहब सबूत क्या है? ये फोटो जिसे आपने अपनी बहू होने की बात कही। बहू होने की बात मैंने नहीं कही, मैंने कही ये फोटो मेरी बहू जैसी है। बात तो एक ही है। एक ही बात कैसे हो गई?
एक जैसा मिलता जुलता चेहरा किसी और का नहीं हो सकता क्या? मैं आपकी बहू से अकेले में बात करना चाहता हूं, चलिए। डरने की कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ पूछताछ करनी है, चलिए। पहली मुलाकात और कोई गिफ्ट नहीं? गिफ्ट तो बनता है, नेक्स्ट टाइम।